आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध शराब भरकर ले जा रही मारुति कार को पुलिस ने पकड़ा। गाड़ी में से 10 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस थाना राजपुर में शुक्रवार की रात बांदर कच्छ रोड से अवैध शराब भरकर ले जा रहे मारुति कार को पुलिस ने रोककर तलाशी के दौरान उसमें भारी हुई 10 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया है। मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दो आरोपी लखन बाला एवं राकेश कहार निवासी राजपुर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई की गई? ये दिनांक 30 अगस्त 2018 को जरिए मुझे सूचना मिली थी कि भानुप्रस तरफ से सफेद रंग की मारुति कार है जिसमें अवैध शराब रखी हुई है। इसको लेकर आने वालों हवाले में लखन बलई हाट बेड़ी एवं राकेश कहार दोनों लेकर आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों को तलब कर टीम बनाई गई जिसमें टीम में उप निरीक्षक अजमेर सिंह अलावा और उनके सहायतार्थ विनोद पटेल एवं प्रतिम और भीम सिंह आरक्षक को थाने से रवाना किया गया था जिन्होंने जो बांदर कच्छ रोड पर राजपुर में पहुँचे जहां देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति कार आ रही है जिसको इन्होंने रोका। मुताबिक हुलिया के मारुति कार को रोका जिसमें से दो व्यक्ति उसमें से अंधेरा का फायदा उठाकर भागे तो और उसमें मारुति में चेक करने पर उसमें 10 पेटी शराब मिली है जो करीब 90 लीटर की है। 36,000 रुपये कीमती है उसकी। अवैध शराब होने के कारण उस पर 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा जो भागे हुए व्यक्ति लखन हरिजन एवं राकेश कहार थे जिनके खिलाफ 34(2) के तहत आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही तथा मारुति को शराब को जब तक थाने लाए गए हैं और आरोपी की तलाश जारी है। आरपीटीवी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन।